नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी। इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर अभी की हेडलाइंस पर। आईपीएल में फिर से हुई एक बार सट्टेबाजी। मलिका बनना चाहती थी अमीर की बीवी। दिल्ली गुड़गांव मार्ग जाम होने से यात्रियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। अरुण जेटली ने सरकार के एक सालों के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सरकार ने दिया एक साल का लेखा जोखा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जेटली ने कहा कि बीजेपी की सरकार के देश से निराशा का माहौल खत्म हुआ है और कड़े फैसले लेने में सरकार तेजी दिखा रही है। जेटली ने कहा है कि पीएम ने एक साल में 18 देशों की यात्रा की, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश में मिल रहा है। हमारे कामों के पूरी दुनिया में अच्छे संदेश जा रहे हैं। इस सरकार में पारदर्शिता से काम हो रहा है। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर मारे गए छापे। आईपीएल में फिर से बाहर निकला सट्टेबाजी का जिन, कई जगहों पर पड़े छापे। आईपीएल में फिक्सिंग की जिन एक बार फिर से बाहर निकलकर सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएल T20 क्रिकेट मैचों से जुड़े सट्टेबाजी ग्राहकों के खिलाफ हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई और जयपुर समेत कई और शहरों में छापे मारे। सूर्य ने बताया, इन शहरों में 8 से 10 इमारतों से थाने तथा गुड़गांव में छापे मारे गए हैं। एजेंसी के अहमदाबाद कार्यालय ने इन शहरों में अपनी स्थानीय इकाइयों के सहयोग से छापे मारे। मलिका ने आमिर की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। आमिर ने किया खुलासा, सामने आया मलिका का सच। आमिर खान इन दिनों अपनी नई फिल्म दंगल को लेकर चर्चा में हैं। इसके लिए उन्होंने अपना कई किलो वजन बढ़ाया है, क्योंकि वो इसमें एक पहलवान बने हैं। उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक खास खुलासा किया है, जिसमें मलिका शेरावत का एक सच सामने आ गया है। चलिए बता ही देते हैं कि आखिर पूरा वाक्य क्या है। दरअसल आमिर खान ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी फिल्म के लिए मलिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था। वह उनकी बीवी बनना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। हालांकि उनकी यह चाहत पूरी हो पाएगी या नहीं, अभी यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है। नौकरी छोड़ गायब दरोगा के दूसरी पत्नी का शव मिला। प्रतापगढ़ में तैनात दरोगा जितेंद्र सिंह की दूसरी शादी के बाद फरार होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जितेंद्र की दूसरी पत्नी का शव कोशीबा जिले में आज बरामद हुआ है। जांच की टीमों का आशंका है कि दरोगा जितेंद्र ने ही पत्नी की हत्या की होगी। उल्लेखनीय है कि दरोगा के खिलाफ कानपुर में अपहरण का मामला दर्ज है। प्रतापगढ़ पुलिस लाइंस के तैनात कानपुर की युवती के साथ दूसरी शादी रचाने से आईएस जितेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रतापगढ़ के साथ कानपुर के पुलिस की कई टीमें लगा दी गई है। दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर लंबा जाम, यात्रियों ने किया त्राहिमाम। रोजकरी फ्लाईओवर पर 5 किलोमीटर लगे लंबे जाम से यात्री त्राहिमाम कर गए। नेशनल हाईवे 8 पर लगे जाम के कारण वसंत विहार एवं रिंग रोड से गुजरने वाले लोगों को रूट डायवर्जन के जरिए गंतव्य मार्ग से भेजा गया। शुक्रवार की सुबह दफ्तर को निकले लोगों को यह कतई उम्मीद नहीं थी कि उनको इतने लंबे जाम से जूझना पड़ेगा। दरअसल गुड़गांव के सहरौली बॉर्डर के टोल प्लाजा के पिलर हटाया जाना था। NCEPL उस कार्य को रात में ही कर लेते तो शायद यात्रियों को यह दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। प्रियंका तिवारी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, www.indialifenews.in पे। नमस्ते।